अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि FC4 सिरप किन कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसके कौन कौन से फवाद हैं और इस सिरप के थ्रू किस तरह फीमेल्स अपने इररेगुलर पीरियड को रेगुलर कर सकती हैं और इस सिरप का तरीका इस्तेमाल क्या है और इस सिरप की प्राइस कितनी है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेडिसिन के मुतल्लिक ऐसी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। FC4 सिरप बेसिकली हर्बल प्रोडक्ट है जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को अमराज़ नस्मा यानी महावारी के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पर उन फीमेल्स के लिए है जो कि इन बीमारियों और अमराज का शिकार हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये सिरप मुख्तलिफ हर्बल इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, सबके मुख्तलिफ और इफ़ेक्टिव फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं व्यूवर, इस सिरप को किन मकासद और किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिरप सबसे ज़्यादा फीमेल्स में इररेगुलर पीरियड यानी महावारी के बकायदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को पीरियड को रेगुलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा महावारी के दौरान होने वाले पेट में दर्द, टांगों में दर्द, पेट के निचले हिस्से दर्द और लकोरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रहम की सूजश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर दर्द में कमी लाता है। उल्टी, मतली और महावारी के रुक रुक के आने के अमल को दुरुस्त करता है। महावारी को मामूल के मुताबिक बहाल करता है। और एक ज़रूरी बात, इस सिरप को प्रेगनेंसी यानी दौरान हमल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये सिरप महावारी के दौरान होने वाले सर में दर्द और जिस्म में होने वाली थकावट को दूर करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। इस सिरप को ओवर ब्लीडिंग और PCOS या PCOD जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, जो कि फीमेल्स में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में फीमेल्स के यूट्रस के अंदर छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे FC4 सिरप के बेनिफिट्स एंड यूजेस। अब इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। तो इस सिरप को मेंसेस यानी महावारी के 3 दिन आने से पहले 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और बेहतरीन रिजल्ट के लिए सिरप को दौरान मेंसेस और महावारी के 15 दिन बाद तक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो व्यूवर, इस सिरप के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते क्योंकि ये प्योर हर्बल ड्रग है और इस सिरप की प्राइस 360 रुपीज़ यानी 360 रुपये है। आई होप व्यूवर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी मेडिसिन के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।